बता रहा हूँ, तो जो भी केसेस की योद्धाओं के कारण ये जगह मिला, ये स्थान मिला है, एक बार उनकी प्रशंसा होनी चाहिए, सराहना होनी चाहिए। लेकिन एक बहुत बड़ी बात जो मैं कहना चाहता हूँ और एक बहुत बड़ा बात तो इनके कहे चावलो चाची साहब, दीदी साहब, माई साहब, कि सामने जो यहाँ फोटो लगल हो टाइगर जयराम माथो के, पता नहीं सब फोटो तो घर तो मैं देख ले होगा, सब फोटो घर तो मैं जल होगा, लेकिन वो आदमी के देख आज अपना एक बीमारी हो गया है, तेलंगाना से हैदराबाद से इलाज चल रहे है, लेकिन बोकारो में वेदांत में हम इनके साथी पर आंदोलनकारों साथी पर जब साथी चल रहे और जब पुलिस की लाठियां चलने लगी तो हमारे भाई घर के बिस्तर पर आराम कर रहे थे, उन्होंने हम लोगों ने रोका कि दादा आप मत जाइए बेकारों में, आपकी तबीयत ठीक रहे। उन्होंने कहा कि हमारे लोग लाठी खा रहे हैं, मुझे मौत मंजूर है लेकिन मौत मंजूर नहीं है, उसमें पुकारों की धरती पर गए और ये सिर्फ वेदांत से लड़े और ये उनकी लड़ाई की ताकत है कि वेदांत जैसे कंपनी जिसके मालिक अपने अग्रवाल लंदन में जाकर के ऐसो आराम करते हैं, उसके मालिक अग्रवाल का समूह वो घुटने फेंक देता और कहता है बोलिए क्या कहना है। टाइगर जयराम मेहता ने कहा कि जो मांग है वो पूरी करो और उसके बाद 400 लोगों को रोजगार दिया उस वेदांत ने, ये जेबी केसेस की ताकत है, ये टाइगर जयराम मेहता की ताकत है। और ऐसा एक उदाहरण नहीं है, चाहे वो निरसा में मजदूर का मृत्यु हुआ हो और वहां पर 8 दिनों तक एक मजदूर का शव को हम लोगों ने बर्फ और फ्रिज में रखा और कंपनी से कहा जब तक मुआवजा नहीं दोगे यहाँ से हिलेंगे नहीं, और अंत में कंपनी को मुआवजा देना पड़ा और उसके परिवार को वहां पर राहत देना पड़ा, तब वो आंदोलन समाप्त हुआ। इसके पहले भी एक बात मैं बता रहा हूँ, कोडरमा के कांझेटी में एक आंदोलन हुआ और वहां पर भी कंपनी से कहा गया कि जो मजदूरों की मांग है उसको पहले पूरी करो, उसके बाद ही यह आंदोलन समाप्त होगा। और चाहे धनबाद के इलाके में, चाहे बोकारो के इलाके में, चाहे हजारीबाग के इलाके में, चाहे चतरा के इलाके में, सभी इलाके में लगातार आंदोलन हो रहा है और लोग पूछते हैं ये जेबी केसेस क्या करता है, ये जेबी केसेस के आंदोलन को इतनी ताकत कहां से आ गई है, ये कंपनी वाले लोग इतना डरते क्यों हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी लड़ाई को हौसले की बुनियाद पर लड़ा जाता है, जज्बे की बुनियाद पर लड़ा जाता है, कलेजा से लड़ा जाता है, पैसे से नहीं लड़ा जाता, और जेबी केसेस के हर लड़ाके में कलेजा है और इसलिए ये लड़ाई लड़ी जा रही है। एक सवाल और लोग उठा रहे हैं कि बाबू इतना पैसा कहाँ से आ रहा है, जाकर के संथाल में सभा करते हो, चौहान में सभा करते हो, चतरा में सभा करते हो, हजारीबाग में सभा करते हो, बोकारो में सभा करते हो, डुमरी में सभा करते हो, डुमरी की उस बात की गवाह रही थी कि उस राज्य के राजा साहब आए थे सभा करते हो, 5,000 की फिर डुमरी में आए थे, राजा साहब 5,000 में सभा करते हो, नीचे भी सभा करते हो। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये ताकत आप लोगों से आया है और चाची लोग, माँ लोग, आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोगों की एक माँ ने अपने कोख से मान तार के तो चाची के धरती से एक ऐसे नायक को जन्म दिया जिसने 10 जनवरी 2022 को रणधीर वर्मा चौक पर ऐसे शहर की दहाड़ लगाई, ऐसे शेर की तरह से अपने पंजरे से वार किया कि पूरे झारखंड के भीतर एक आग फैल गई और झारखंड के 32,623 गांव तक ये आंदोलन पहुंच गया। उस माँ को नमन करता हूँ, उस माँ को प्रणाम करता हूँ, उसने टाइगर जयराम ने इसका सपोर्ट पैदा किया। लेकिन एक बात जानो, हाँ, आज तक हमारे टाइगर जयराम नाथो के घर में रोजगार नहीं है, सरकार की पेंशन से 3,000 के घर के रोजी रोटी चले हैं और बाबूजी ने भी स्वर्गीय कृष्णा प्रसाद महतो झारखंड आंदोलन में उनका देहांत हो गया है और अभी 2 दिन पहले बात बोले किसानदार बुनियादों में सभा हो, उत्तराखंड में सभा हो, जाए के तो गरीब मन हो, लेकिन डॉक्टर कहते कहा कि 45 दिन नहीं जाएगा, वो
के बीच में और मास्क पहन कर रहना है। आप सोचिए उस व्यक्ति की ताकत को, उस व्यक्ति के जज्बे को, उस व्यक्ति के हौसले को, उस व्यक्ति के संघर्ष को जो लगातार संघर्ष करते हुए झारखंड के अलग अलग कोने में सभा कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं और पिछले दो सालों में ऐसा कोई दिन नहीं रहा है जो रात के 10 बजे कभी सोए, हर दिन वो सुबह 4 बजे सोए हैं। इस व्यक्ति के संघर्ष को आपको सलाम करना होगा। आपको ये मानना होगा कि झारखंड की धरती से एक हीरा निकला है और जिस तरीके से झारखंड में कहते हैं कि धनबाद में कोयले है, डायमंड है, ब्लैक डायमंड है, काला हीरा है, ठीक उसी तरीके से टाइगर जयराम में तो हमारे झारखंडी हीरा है। और अगर इस हीरे को आज हम लोग नहीं संवारे, आज नहीं सजाए, आज उनको नहीं बचाए, आज उनका संरक्षण नहीं किए तो ये झारखंड की धरती फिर से इस तरीके से